हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में बताने वाला हूं। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इस समय क्या चल रहा है, कहां कहां से उड़ानें हो रही हैं, किस किस देश से फ्लाइटें यहां पर आ रही हैं, तमाम तरह की बातें मैं आपको बताऊँगा जो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से निकल रही है। और साथ में दोस्तों बता दें कि अगर आप सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, दुबई इन सभी देशों में रहते हैं और आप भी चाहते हैं कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आना, तो आप किस तरह से आ सकते हैं, कब कब फ्लाइटें वहां से होंगी, इसके बारे में पूरा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप भी सऊदी अरब, कुवैत, ओमान में रहते हैं और आप कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोपालगंज आदि पड़ोसी जिला के हैं, आपका भी सपना है कि आप कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरें। बहुत दिनों से आप आस लगाए बैठे हैं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग इधर की कमाने के उद्देश्य से जितने भी गल्फ कंट्री हैं उधर गए हैं। तो पिछले वीडियो मैंने पूछा था कि आप लोग कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बहुत सारे भाई लोग बताए थे कि हम इस देश से देख रहे हैं, कोई भाई कतर, कोई दुबई, कोई सऊदी बोल रहे थे। तो आप सभी लोगों को शुक्रिया, और जितने भी लोग नहीं बताए थे आप नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। फाइनली दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी फिलहाल में कुशीनगर से कहां कहां के लिए उड़ानें हो रही हैं, किस किस देश से उड़ानें हो रही हैं। तो दोस्तों बता दें कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से अभी किसी भी देश के लिए उड़ानें नहीं हो रही हैं। सिर्फ एक फ्लाइट कुशीनगर आती है, वो दिल्ली से आती है, और फिर से यहाँ से फ्लाइट, यहाँ से यात्रियों को लेकर दिल्ली चली जाती है, और वो स्पाइसजेट एयरलाइन से। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का सवाल ये है कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होनी चाहिए, क्योंकि इधर से बहुत सारे लोग कमाने के उद्देश्य से सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, दुबई इन सभी देशों में गए हैं। और साथ में कुशीनगर एक टूरिस्ट पैलेस भी बन गया है, और यहाँ पर बौद्धिस्ट लोग बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आ रहे हैं। तो अगर कुशीनगर एयरपोर्ट से विदेशी उड़ानें होती है, जितने बौद्धिस्ट कंट्री है वो भी जुड़ता है, तो काफ़ी बड़ा फायदा होगा। लेकिन दोस्तों बता दें कि अभी तक कोई बड़ा अपडेट नहीं निकल कर आ रहा है कि जितने बौद्धिस्ट कंट्री उनके साथ जोड़ा जाएगा। हालांकि जितने भी नेता हैं वो लोग कह रहे हैं कि कुशीनगर बहुत ही जल्द गल्फ कंट्री और साथ में जितने भी बौद्धिस्ट कंट्री है उनके साथ जुड़ने वाला है। अब यहाँ पर सवाल है कि अगर जुड़ता है तो सबसे पहले किस देश के साथ जुड़ेगा, तो बता दें कि सबसे पहले जितने भी बौद्धिस्ट कंट्री है उनके साथ पहले कुशीनगर को जोड़ा जाएगा, क्योंकि कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, तो बहुत सारे बौद्धिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं। तो पर्यटक की दृष्टि से यहाँ पर भी पहले जितने बौद्धिस्ट देश हैं उनके साथ जोड़ा जाएगा, और साथ में उसके बाद से सऊदी अरब के साथ जोड़ा जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब के जद्दा के शहर के बारे में बहुत ही पहले यहाँ से बात हुई थी कि थाईलैंड और जद्दा के साथ कुशीनगर को जोड़ा जाने वाला है। लेकिन अभी कोई बड़ा वो अपडेट नहीं आया कि कब तक यहाँ से उड़ानें होंगी, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा, जैसे ही डेट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी इसके लिए आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा आप और इंतज़ार करिए।